नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के थाना मटेरा अंतर्गत ग्राम वजवा मौजा मोहरबा जनपद बहराइच से। सोनी बेगम पति तसव्वर पिता कादिर खान ग्राम वजवा पोस्ट मोहरबा का निवासी है। सोनी बेगम के भाई सदन का पिता बच्चन खान द्वारा बताया गया कि मेरी बहन की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। मृतका के भाई द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 26 अप्रैल 2020 को समय करीब रात में 12 बजे उनको सूचना मिली पड़ोसियों द्वारा कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने के बाद हम लोग तुरंत समय करीब 1 बजे रात में पहुंचे। मेरे पहुंचने से पूर्व बहनोई भाग चुका था। मेरी बहन ने कुछ समय पहले माँ से बताया था कि ससुराल वाले हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। सदन का पिता बच्चन का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बहन को मार डाला गया है। 27 अप्रैल 2020 को सूचना करीब सुबह 8 बजे पुलिस प्रशासन को दी गई। मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे अपने दल बल के साथ पहुंचे। पहुंचकर पंजीकृत कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कैमरामैन मकसूद रजा के साथ सिराजुद्दीन खान की रिपोर्ट। परिवार वाले कितने बजे आपको सूचना मिली? हम 1 बजे कई मिनट पर भैया आ गए हैं। 1 बजे रात वाला दिन वाला? नहीं, रात में 1 बजे, 1:07 पे हम यहाँ आ गए। 1:07। आप कौन है? जी मैं भाई हूँ। लड़की का? हाँ, छोटी बहन है हमारी। अच्छा, और घर के परिवार तो मौजूद है नहीं? नहीं, घर के परिवार कोई नहीं मौजूद है। रात में हम लोग आए, सुबह 7 बजे मिट्टी का इंतजाम ये लोग कर रहे थे। फिर हमारे गाँव से आदमी लोग आए, फिर रुकवाए, फिर मैंने सूचना दिया वहाँ पे। तो अभी एसओ सर आए यहाँ पे। अच्छा, और कभी भी बहन हमारी घर पे गई तो क्या लड़ाई झगड़ा हमारी माँ हम लोग को नहीं बताती थी। हम लोग भड़कते इन पे, इसके लिए हमारी माँ अपने अंदर ही रख लेती थी। एक 6 महीने का बच्चा है और एक 2-2.5 साल का है। वो लोग बच्चों को भी नहीं सोचा, वो मासूम अभी दूध पी रहा था उसको नहीं सोचा और बहन को ऐसा मारा। अच्छा, और हमने दहेज में सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, फर्नीचर दिया, कोई भी ऐसा सामान नहीं जो नहीं दिया उसको। इससे पहले भी प्रताड़ित करते रहते थे क्या? जी, इससे पहले प्रताड़ित किए तो आपने कोई एफआईआर या कोई सूचना नहीं दर्ज कराई? नहीं, हम यही कहते थे बहन दो दो बच्चे अपने घर पे रहे, क्या करेगी इधर उधर जाके। मगर जब हाथ से बाहर हो गए तो इसके लिए हम आगे कदम उठाए कि आगे भी चल के किसी की बहन या बेटी पे ऐसा जुल्म ना हो। थाना मल्लीपुर के ग्राम बेगमपुर निवासी सद्दन खां पुत्र बच्चन खां द्वारा आज आरोप लगाया गया है कि उनकी छोटी बहन जिसकी शादी तसव्वुर खां पुत्र कादिर खां निवासी ओझवा मटेरा के साथ हुई थी, उसको दहेज के लालच में उस परिजनों ने और ससुराली जनों ने मिलकर की हत्या कर दी है। इस संबंध में हत्या का अभियोग उनकी तहरीर पर पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रेतर विधिक कार्रवाई लेते हैं।